हमीरपुर में क्या है हमें सोचना चाहिए, जो बोल रहे हैं जिस तरीके से काम कर रहे थे उसके ऊपर अपनी बात कहें, इधर उधर पहुँचाने के लिए। सोलन में शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कई नुक्कड़ सभाएं भी की। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। विनोद सुल्तानपुरी ने सुरेश कश्यप द्वारा परिवारवाद को लेकर उठाए जा रहे सवाल के जवाब में कहा कि हमीरपुर में बीजेपी को आंखें खोलकर देखना चाहिए कि क्या वहां पर परिवारवाद नहीं है। देखिए, उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, वो अपने तरीके से काम करना चाह रही है। मेरा जो अपना तरीका है उसमें हम अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के संग लोगों से मिल रहे हैं, उनसे उनका सुझाव ले रहे हैं और मदद कर रहे हैं ताकि हमारे पक्ष में लोगों का रुझान बने। सुरेश कश्यप लगातार परिवारवाद को भी लेकर बोल रहे हैं और दूसरी चीजों को भी लेकर बोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं? हमीरपुर में क्या है हमें सोचना चाहिए, जो बोल रहे हैं जिस तरीके से रुझान कर रहे थे उसके ऊपर अपनी बात कहें, इधर उधर पहुँचाने की जरूरत है। हमें कहा गया कि नालागढ़ में रेलवे पहुंच चुकी है और जब हम नालागढ़ में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पिछाद में राष्ट्रीय उच्च मार्ग बन चुका है और जब हम पिछाद में जाते हैं तो बोलते हैं नालागढ़ में रेलवे आ चुकी है, तो ये धोखा तो लोगों पर दिया जाता है। विनोद जी, सुभाष मंगलेट का जाना और राजेंद्र ठाकुर का जाना, जिन्होंने कम से कम 30,000 वोटें विधानसभा में ली थी, कितना डेंट आपको पड़ने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी अपने मन से चलते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के बेस पे वोट नहीं डाले जाते हैं। वो आए हैं, अब जब दूसरी साइड गए हैं तो गए हैं, फिर देखते हैं जो लोग करना चाहेंगे वो खुद करें।